और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की, जिस पर पूरे दिन आज निगाह बनी रहेगी। दरअसल आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर पर दिए गए फैसले का विरोध किया जाएगा। बिल्कुल, आज प्रदेश के कई जिलों में स्कूल बंद रहने वाले हैं। बंद के आह्वान के चलते प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसके चलते एसटी एससी संगठनों ने ये बंद का आह्वान किया और जिले के कई स्कूल आज बंद रहने वाले हैं। दलित आदिवासी संगठनों ने हाशिए पर पड़े समुदाय के लिए मजबूत प्रतिनिधि और सुरक्षा की मांग को लेकर यह बंद बुलाया है। बुधवार को पूरा भारत बंद है। सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर पर दिए फैसले का विरोध। एससी एसटी समूहों का बंद को समर्थन। एक अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर जो फैसला दिया, उसके विरोध में 21 अगस्त यानी कि बुधवार को भारत बंद किया जा रहा है, जिसका समर्थन बहुजन समाजवादी पार्टी समेत तमाम विरोधी नेता कर रहे हैं। प्रदेश की बात करें तो यहां एससी एसटी समूहों ने बंद को समर्थन दिया। हालांकि केंद्र सरकार साफ कर चुका है कि क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सलाह दी थी, जिसमें राज्य सरकारों को एससी एसटी आरक्षण के वर्गीकरण का अधिकार है। ये सब अपोजिशन रूल्स स्टेट से होता होता ही आया है, आकर के सुप्रीम कोर्ट में ही गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 में, जिसमें अनुसूचित जातियों का वर्णन लिखा हुआ है, समावेश लिखा हुआ है, जातियों के नाम लिखे हुए हैं, उसमें राज्य चाहें तो सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, राज्य चाहें तो। ये राज्यों को अधिकार दिया है। केंद्र सरकार राहुल गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रही। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि सरकार को इस मसले पर अपना रुख साफ करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का बहुत क्लियर स्टैंड है कि आरक्षण की व्यवस्था जो संविधान में बाबा साहब भीमराजकर अंबेडकर देखे गए हैं, उस व्यवस्था के साथ में किसी तरीके का न खिलवाड़ होने देंगे और न उसको कमजोर होने देंगे। इसलिए केंद्र सरकार को समय रहते हुए अपने स्टैंड को क्लियर करना चाहिए और जो ये एससी एसटी के हमारे भाई जो आंदोलन कर रहे हैं उनको क्लियर कट बात बतानी चाहिए कि हम इस संविधान में दिए गए आरक्षणीय व्यवस्था के साथ में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। एससी एसटी आरक्षण पर भारत बंद के फैसले पर बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि इस मुद्दे पर भारत बंद की जरूरत ही नहीं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसा है। मना कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई और ये मना कर दिया, हम किसी प्रकार का क्रिमिनल लागू नहीं करेंगे। तो केवल राजनीतिक फायदे के लिए लोग बाग एसटी एससी को गुमराह करना चाहते हैं, बहकाना चाहते हैं, देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं, वो किसी भी तरह से उचित नहीं। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत का कहना है कि केंद्र जो भी फैसला लेगी उन्हें मंजूर होगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो एससी एसटी वर्ग के साथ है और उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं। केंद्र सरकार के निर्णय जो होगा इसके अंदर उसके साथ रहेंगे। और दूसरा, संविधान हमारा किसी भी वर्ग के अंदर उप वर्गीकरण के लिए नहीं कहता है। हम एससी एसटी वर्ग के लोगों के साथ में हैं, उनकी भावनाओं की कद्र करेंगे और संविधान के खिलाफ में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जहां एससी एसटी वर्ग के लोगों के साथ में समानता का जो भाव है वो नहीं हो। हम निश्चित ही उनकी भावनाओं की कद्र करेंगे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 1 अगस्त को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर बड़ा फैसला देते हुए कहा कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा को भीतर कोटा बनाने का अधिकार है, यानी राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती है। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत अनुसूचित जातियों पर भी उसी तरीके से लागू होता है जैसे ये ओबीसी पर लागू होता है। कोर्ट के इस फैसले का बसपा सुप्रीमो मायावती समेत तमाम नेता विरोध कर रहे हैं और इसी विरोध में बुधवार को भारत बंद बुलाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान।